जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भागलपुर में निर्वाचन और उसकी तैयारी से संबंधित कई अहम जानकारी साझा की। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को भागलपुर में मतदान होगा, जिसके लिए नामांकन करने वाले प्रत्याशी की अंतिम सूची भी सामने आ चुकी है। सोमवार को नाम वापसी की अंतिम तिथि थी और नामांकन करने वाले 21 प्रत्याशियों में से स्क्रूटनी के दौरान 8 प्रत्याशियों का कई प्रकार की त्रुटियों के कारण रद्द कर दिया गया, जबकि सोमवार को निर्दलीय प्रत्याशी अजय कुमार राय ने चुनाव नामांकन से अपना नाम वापस ले लिया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने कहा कि भागलपुर लोकसभा के अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्र में 1267 मतदान केंद्र भवन है और मतदान केंद्र की संख्या 2234 है, जबकि सहायक मतदान केंद्र की संख्या 10 है। डीएम ने बताया कि भागलपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 12 चलंत मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जबकि कुल मतदाताओं की संख्या 23,30,678 है, जिसमें से 12,07,575 पुरुष एवं 11,22,971 महिला मतदाता शामिल है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि जिले में पुरुष एवं महिला मतदाताओं का अनुपात 930 है और 18-19 वर्ष के 36,803 मतदाता हैं। जिले में 267 सेक्टर बनाए गए हैं और 35 SST एवं 23 FST गठित किया गया है। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला निर्वाचन पदाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने आदर्श मतदान केंद्र, दिव्यांग मतदाताओं, महिला मतदाताओं और वृद्ध मतदाताओं, पब्लिक प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, शराब जब्ती और हथियार जब्त करने समेत कई महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए जिले के सभी मतदाताओं से 26 अप्रैल को बढ़ चढ़ कर मतदान केंद्र पहुंचकर वोट करने की अपील की है। बीच की बाउंड्री है उसमें हम लोगों ने 9 लगाया है। अभी 18 से ये 85 प्लस जो मतदाता हैं हमारे ज़िले में कुल 16,170 है और PWD के जो फिजिकली डिजेबल्ड हैं वो वोटर्स हैं 17,903 हैं। हम लोग सभी विधानसभा में एक आदर्श मतदान केंद्र, एक PWD मतदान केंद्र, एक महिला मतदान केंद्र बनाएंगे, जिससे कि आम लोगों को ये रहे कि भाई सभी लोग हम लोग काम कर रहे हैं और सभी लोग कमीशन के इस पावन जो घोषणा है इस लोकतंत्र में हम सभी लोग काम कर रहे हैं। PWD मतदान केंद्र में हमारे जितने भी कर्मी होंगे, प्रिजाइडिंग P1, P2, P3 सभी हमारे दिव्यांगजन होंगे। महिला मतदान केंद्र में जितने भी कर्मी होंगे सभी महिलाएं होंगी और आदर्श मतदान केंद्र ताकि लोगों को लगे कि काफ़ी अच्छा लगे, इसलिए हम लोग उसको बनाएंगे। फॉर्म 12D है, उसका वितरण हम लोग कर चुके हैं और जिन लोगों ने इच्छा जताई है कि वो अपने घर से ही वोटिंग करेंगे, जो डिजेबल्ड हैं, असहाय हैं, उनके लिए फॉर्म्स भी कलेक्शन कर लिया गया है। मतदान केंद्रों पे कई मूलभूत सुविधाएं हैं जो हम लोग आवश्यक रूप से देंगे, जैसे पान पीने का पानी है, शौचालय है या रैंप है। इसके अलावा यदि दिव्यांग बंधु हैं हमारे तो उनके लिए व्हीलचेयर है, उसके लिए व्हीलचेयर हमारे पास है भी और उच्च विद्यालय की संख्या 285 है, इसमें प्रत्येक उच्च विद्यालय में 2 व्हीलचेयर का क्रय किया जा रहा है। और आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में भी हम लोगों ने कई कार्रवाई किया है, जिसमें कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे भी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है या पब्लिक प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी पे कुछ लोगों ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद भी बैनर पोस्टर्स थे उस पर FIR कराया गया है। MCC के वायोलेशन में भी हम लोगों ने 2 FIR कराया है। इस प्रकार से सारी चीज़ें जो माननीय निर्वाचन आयोग है उनके दिशा निर्देशानुसार बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है और मैं आपके माध्यम से आम जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि बिल्कुल निर्भीक होकर के, निष्पक्ष होकर के मतदान करें और मतदान अवश्य करें, इसलिए कि हम लोगों ने पूरी व्यवस्था को दुरुस्त किया हुआ है और हमारे सेक्टर्स को डायरेक्शन है कि इलेक्शन के दिन वो बूथ पे तो उनका नियंत्रण पूर्णतः रहेगा ही, साथ ही गाँव में भी जगह जगह पे चप्पे चप्पे पे उनकी नज़र रहेगी और सेक्टर के साथ साथ कई स्तर के पदाधिकारी का लगातार मूवमेंट रहेगा। लोग बिल्कुल निर्भीक होकर के, निष्पक्ष होकर के मतदान करें। इधर वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने भी चुनाव को लेकर भागलपुर पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई
और तैयारियों की जानकारी दी। एसएसपी ने कहा कि चुनाव की घोषणा होने के बाद अब तक 11 हथियार, 94 कारतूस और 3500 लीटर से अधिक शराब जब्त किया गया है, जबकि 4500 लोगों को बाउंड ऑन किया गया है। सभी सेक्टर पदाधिकारी क्षेत्र में भ्रमण कर ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं जो किसी प्रकार से मतदान को प्रभावित कर सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उप निर्वाचन पदाधिकारी श्वेता कुमारी, संयुक्त निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र गुप्ता समेत चुनाव कार्य से जुड़े कई पदाधिकारी मौजूद रहे। भागलपुर पुलिस के द्वारा भी लगातार भयमुक्त मतदान कराने के हेतु कार्रवाई की जा रही है और इस दिशा में कुल हथियार या शराब इत्यादि जो कारक हैं जिससे कि मतदान प्रभावित हो सकता है उस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और चुनाव की घोषणा होने के बाद 11 अवैध हथियारों की जब्ती की गई है, 94 कारतूसों की जब्ती की गई है और 3500 लीटर से भी ज़्यादा शराब जब्ती की गई है, जो हम लोगों ने 8 इंटर स्टेट चेक पोस्ट बनाए हैं वहाँ से लगभग 2000 लीटर के करीब शराब की जब्ती की गई है और लगभग 4500 लोगों को बाउंड डाउन किया गया है और अन्य भी जो हमारे सेक्टर पदाधिकारी हैं, सेक्टर पुलिस पदाधिकारी हैं, लगातार अपने बूथ के अंतर्गत पड़ने वाले जितने भी गांव हैं, टोले हैं, उसका लगातार भ्रमण कर रहे हैं और ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं जो कि किसी भी प्रकार से मतदान में बाधा कर सकते हैं। ऐसे लोगों को लगातार चिन्हित भी किया जा रहा है और उनके खिलाफ लगातार निरोधात्मक कार्रवाई भी की जा रही है और इस प्रकार लगातार कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और हम लोग ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें कि जो चुनाव के दिन जितने भी मतदाता हैं वो भयमुक्त होकर, निर्भीक होकर अपने मतदान स्थल पर जाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।